पंडो में बरसात के कारण ढह चुके 100 साल पुराने लाल पुल के स्थान पर अब स्टील ट्रश ब्रिज बनाया जाएगा। ये पुल अपने मौजूदा स्थान से तीन मीटर ऊंचाई पर बनेगा और इसके लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग थलोट डिवीजन ने इसकी 21 करोड़ की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी है पुल को तीन मीटर और ऊंचा बनाने के पीछे विभाग का यही मकसद है कि अगर भविष्य में फिर कभी बाढ़ आती है तो पुल को नुकसान न हो इसके लिए दोनों तरफ सौ मीटर का अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा विभाग ने इसका भी सर्वे कर लिया है इस अप्रोच रोड पर बड़े बड़े डंगे लगाए जाएंगे ताकि पुल की ऊंचाई तक गाड़ियों को पहुंचाया जा सके पहले जो पुल था उसे लोहे के रस्सों के सहारे टिकाया गया था और ये एक सस्पेंशन ब्रिज था अब इसके स्थान पर स्टील ब्रिज बनाने की प्रपोजल भेजी गई है जो हमारा ब्रिज मोटेबल ब्रिज जो लाल पुल के नाम से जाना जाता है लगभग सौ साल पुराना ब्रिज था तो वो बरसात के दौरान बाढ़ के दौरान बह गया था तो इसकी हमने पी पी आर बनाकर पहले सरकार को भेजी थी जिसके बाद हमें हमारे हेड ऑफिस से कहा गया कि इसकी डी पी आर बना के भेजी जाए तो अब हमने इसकी डी पी आर जो है लगभग इक्कीस करोड़ की बना के ने अपने हायर ऑफिस को सबमिट करती है और इस नए डी में हम जो इसका पुल का डेक लेवल है उसको लगभग तीन मीटर ऊपर उठा रहे हैं ताकि आगे से कभी अगर ऐसा फट जाता है तो उसमें उसका नुकसान होने की संभावना कम कम रहे और जैसे कि डेक लेवल हमारा ऊपर उठेगा तो उसके कारण हमारे अप्रोच रोड भी हमें उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे और जिसके लिए लगभग सौ मीटर दोनों तरफ उस डंगे लगा के और उस लेवल को रोड को उठाया जाएगा ऊपर उठाया जाएगा और इसका पहले जो इसमें सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था और अब जो है इसमें स्टील ट्रस्ट ब्रिज बनाया जा रहा है